हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो है ये हम जो गैर ड्रम की पुली है उसको उतारने की है, जो पीछे वाली पुली रहती है। इसको हमने पहले बेल्ट ढीला किया है चक्कर कम करके इसके। अब इसको उतारना है तो इसको राड लगाएंगे थ्रेशर वाली पुली को। राड टाइट करेंगे, जैसे जैसे राड टाइट होती जाएगी तैसे तैसे बेल्ट और ढीला होता जाएगा। एक इसके अंदर गैर ड्रम वाली पुली के अंदर 51-120 बैरिंग होता है। उसको ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सीजन से पहले आप उसको एक बार खोल के ग्रीस ज़रूर डाल दें। वहाँ से आग लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बैरिंग अंदर रहता है, अगर टूट फूट जाए तो उसका ज़्यादा ख़तरा रहता है आग लगने का। तो ये राड जो है लग चुकी हैं, अब इसका बेल्ट उतारेंगे। अपना बेल्ट उतर गया है। इसके जैसे डबल पल्ले होते हैं, दोनों पुलियों के डबल डबल पल्ले होते हैं, दोनों पल्ले अलग अलग जैसे रहते हैं, तो जो गैर ड्रम वाली पुली का अंदर वाला पल्ला है उसको क्या करना है कि अंदर को एक बार धकेल के बाहर को खींचना है। यह नट खोल लेंगे पहले। नट खोलने के बाद जो है साफ कर लें थोड़ा। ये जैसे आप देखेंगे इसमें ये अंदर वाला पल्ला बार को ऐसे ठोक रहा है, तो पुलर की ज़रूरत नहीं है, ये वाली पुली ऐसे ही निकल आती है। वैसे तो पुलर भी आते हैं कई प्रकार के, वो भी बढ़िया है। ये देखें आप, पुलर पुली से ही, हाँ पल्ले से ही जो है निकल रही है पुली, ये देखो। और बहुत ही आसान है ये काम। ऐसे ठोक के आप, ये देखो बहुत आसानी से बाहर आ रही है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का धन्यवाद।